दोस्तों राधे राधे, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। दोस्तों मैं जो है एक दुकान डाली थी, उसी में सब लगी थी, समोसा और पानी पूरी का चला रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। सब कहते हैं ना कि दुकान उकान में थोड़ा समय लगता है, तो वही लगेगा अभी। मैं भी कोशिश में हूँ कि चल जाए, लेकिन अभी कोई ख़ास वो नहीं मिल रहा है उससे मुझे प्रॉफिट, लेकिन देखेंगे। लगी हूँ, कुछ सोच रही हूँ कि कर लूँ। और दोस्तों हमने अभी कुछ दिन पहले ही घर बदला है, अपना चेंज किया है। किराए का घर था हमारा वो, तो अभी उससे दूसरे किराए में आए, किराए के घर में आए हैं। और देखिए आप लोग मेरा वीडियो कि हमारा घर कैसा है। ये वाला घर बहुत बढ़िया है, मतलब हम लोगों को पसंद आया है। आप लोग भी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, ये देखिए, ये यहाँ से सीढ़ी है ऊपर आने को, और यहाँ से जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक बालकनी है, देखिए। और यहाँ पर हम दो किराएदार हैं, एक ये हैं बगल में, और एक ये मेरा है जो खुला हुआ है। और जो ये ताला लगा है, ये एक दुकानदार और हैं, वो भी दुकान डाले हैं, ये भी दुकान डाले हैं किराने का। तो अभी ये भी नहीं यहाँ रहते हैं, तो इनका भी एक, इनका ये घर है और ये मेरा है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने झूला डाला है, इनके बच्चे भी कभी कभी झूलते हैं यहाँ पर, और मेरे बच्चे भी झूलते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पर। ये दोस्तों घर जो है 6,500 में है, और अच्छा लगा घर हम लोगों को, देखे तो पसंद आया, इसलिए लिए। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये किचन है, और थोड़ा दुकान का काम मेरा चल रहा है, इसलिए सब इधर उधर है अभी। ये देखिए, और ये यहाँ से आएंगे, फिर यह है हॉल है। अभी ये सब ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है दुकान के, दुकान में जाने की वजह से अभी मैं इसको सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा अभी टाइम लग रहा है, और कोई है नहीं कि जो सेट कर दे। तो अभी यही मेरा घर है। और ये देखिए, इतनी दूर आने के बाद फिर यहाँ पर एक रूम है मेरा। ये देखिए, ये एक रूम है छोटा सा, दुकान में ही सारा दिन बीत जाता है, तो बस सोने के लिए काफ़ी है ये। ये यहाँ से जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर वाशिंग मशीन रखने की जगह है, और ये एक्स्ट्रा जगह है, फिर यहाँ पर बाथरूम है। और ये यहाँ पे देखिए आप लोगों में दिखा रही हूँ, ये पार्क है, देखिए यहाँ पर ग्राउंड है, बच्चे खेलते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, और अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो घर लिए हैं वो यही घर है हमारा, और अच्छा लगता है यहाँ पर रहने से। अभी देखिए मैं आप लोगों को आगे से नज़ारा दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये घर से जब आप बाहर निकलेंगे तो ये देखिए, ये है नज़ारा कुछ ऐसा। तो ये बालकनी बहुत खूबसूरत लगती है, हम लोग यहीं पर ज़्यादा बैठते हैं और चाय पानी करो तो बहुत खूब अच्छा लगता है। ये देखिए सब पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है। अभी गर्मी का मौसम है, जबकि देखिए गाँव वाँव में बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर पूरा ये हवा चल रही है। और ये झूला भी देखिए हिल रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर हवा अच्छी आती है। तो दोस्तों मेरा घर कैसा लगा आप लोगों को, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और फिर मैं धीरे धीरे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि दोस्तों अभी तो मैं दुकान डाली हूँ, तो दुकान की वजह से थोड़ा काम कम हो पाता है, क्योंकि दुकान के लिए ही सब तैयारी करना रहता है, तैयार करो तो सब टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। और फिर यहाँ मैं ही अकेली हूँ दोस्तों, मेरे दो बच्चे हैं तो दोनों पढ़ रहे हैं, तो अभी वो लोग इसमें आना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि ये छोटा काम है, पानी पूरी और समोसा देना बेचना, तो इसलिए मैं उसमें उन लोगों को बुला भी नहीं रही हूँ। कोशिश है कि मैं अपना खुद कर पाऊँ, तो मैं अपने लिए ही शुरू कर रही हूँ, अगर हो जाएगा तो हमारा आगे का फ्यूचर सही हो जाएगा, इसीलिए परेशान हूँ।
मेरे हस्बैंड भी नौकरी करते हैं, कल को नौकरी ना रहे, प्राइवेट नौकरी है, उसका क्या भरोसा? बच्चों का क्या है, बच्चे तो अपना पढ़ लेंगे, अगर किसी लायक हो जाएंगे तो अपना लेकर किनारे हो जाएंगे वो, और हम लोग जो है यहीं पर रहेंगे जहाँ हैं, तो अपनी ज़िंदगी भी अच्छी हो, इसलिए थोड़ा मैं इसी में लगी हूँ। अगर हो जाएगा, नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही कुछ हेल्प रहेगा तो बहुत है। वैसे भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ चेन्नई में हिंदी वालों का बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, ये मैं दिल की बात बता रही हूँ, और मुझ पर जो बीत रही है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ काम, लेकिन मुझे बोलना आता नहीं है। बगल में मेरे एक औरत रहती है, वो भी दुकान खोली है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो भी मतलब वो उम्रदार है अभी, तो इसलिए उनका ठीक है, वो कर रही हैं अपना, उनका भी भाई जैसे मैं शुरू की हूँ वैसे वो भी की हैं, और वो बहुत दिन से रहती हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि वहाँ पर मैं की तो हूँ दुकान, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो सोच रही हैं कि ये खोल दी तभी मेरा नहीं बिकेगा, जबकि उनका मुझसे अच्छा बिकता है, और इधर उधर लोगों को भड़का भी रही हैं कि, और बोलेंगी इनका पानी अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे भाषा आता नहीं तो मैं क्या बोलूँ किसी को। तो जो कस्टमर होते हैं वो लोग आकर उन्हीं के दुकान से चले जाते हैं वापस, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है।